अब आपकी आ, आंसर शीट भी आपके पास आ चुकी है जो ओएमआर शीट आपने भरी है आपके आंसर की भी आपके पास आ चुकी है तो अपनी आंसर शीट में जो ओएमआर शीट है उससे अपनी की को मैच भी आप करा चुके होंगे आई एम श्योर और अपने मार्क्स भी आप फाइंड आउट कर चुके होंगे तो जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आ रहा है वो तो काउंसलिंग का वेट करें जिन बच्चों का स्कोर उतना अच्छा नहीं है और वो मन बना चुके हैं कि मुझे इस साल ड्रॉप लेना है बीट पार्शल ड्रॉप बीट फुल ड्रॉप बीट लाइक मेरे को एक और ट्राई करना है ये वाला जो आपके अंदर फीलिंग होता है अगर ये तीनों में से कोई भी फीलिंग है तो ये आज का सेशन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गुड इवनिंग एवरी वन तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट फटाफट से इस सेशन को आप लोग शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में अपने व्हाट्सअप पे अपने इंस्टाग्राम पे इसको अपनी स्टोरी बना के आप लगा लो पोस्ट कर लो बिकॉज ट्रस्ट में बच्चों मैं आपके ट्वेंटी से ट्वेंटी लूंगी और ये मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं ये आप मान के चलो यस एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग फटाफट से थोड़ा चैट बॉक्स में प्यार बरसाओ भाई बच्चों चैट बॉक्स में शो मी सम लव एवरीवन वन अपने लिटिल यस यस yes, हाँ जी मैम टाइम आउट अच्छा अब जितने स्टूडेंट से हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन सी क्वेरी आती है सामने कि मैम मैक्सिमम टीचर्स ये भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज योर बाइबल लेकिन जब हम एग्जाम सॉल्व करते हैं एनसीआर पढ़ने के बाद तो तो हमसे नहीं बनते हैं तो हम सभी टीचर्स की सभी जो बड़े आपके फ्रेंड्स हैं या बड़े भाई बहन है जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हुआ है उन सबकी हम सलाह तो लेते हैं कि बस एनसीआर ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं पढ़ना बच्चों स्मार्ट स्टडी करो सिर्फ एन पढ़ो या बच्चों ने बहुत सुना होगा और जब आप इस पर अमल करते हो तो आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि यार खाली एनसीआर मैं, पढ़ तो ली मैंने रीडिंग लगा ली एन की बट जब की क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूँ तो मैं उसी टॉपिक के क्वेश्चन में फर्स्ट जाता हूं मैं उसी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता हूँ अब अल्टीमेटली नीट के एग्जाम में तो आपने क्वेश्चन ही सॉल्व करने अब अगर हम ये कह रहे हैं कि आपकी एनसीआरटी बेस्ड ही पेपर आएगा तो वही एनसीईआरटी पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस बात का हम खुलासा करेंगे देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से आ चुके हैं वी हैव राम पांडे वी हैव ख्वाब के नाम से एक बच्चा वी हैव एम डी खान हेलो गुड इवनिंग आशीष शुक्ला वेरी गुड इवनिंग प्रतीक्षा वेरी गुड इवनिंग हेलो हेलो बच्चे तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दो फिर हम शुरुआत करते हैं आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो नीट 2023 का पेपर देकर के आए हैं मतलब आप एक अटेम्प्ट कर चुके हो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं डू लेट नो इन द चैट बॉक्स वी हैव शंभु राज हेलो बेटा हेलो आर यू आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो नीच 2023 का पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं आप बच्चे एग्जाम दे चुके हो एक बार आप रूबरू हो चुके हो उस एग्जाम टेम्परामेंट से आपको भली भांति समझ आता है कि जब वो एग्जाम का प्रेशर होता है तो मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ या आप वो स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम अपियर होने जा रहे हो 2024 में नॉट मी नहीं दिया है ठीक है राम पांडे ने दिया है क्रिश हेलो हेलो हवा यू आशीष शुक्ला आई of वन ऑफ दिया है एग्जाम ठीक है बाकी बच्चे कम ऑन कम ऑन मैम आई हैव टू गिव एग्जाम इन 2024 ठीक है 2024 will be विल बी attempt फर्स्ट मतलब आप ट्वेल्थ के बच्चे हो रौफ खान ठीक है शाबाश बाकी पा रही हूँ जिन्होंने एग्जाम एक बार भी नहीं दिया है एक दो स्टूडेंट मेरा ऐसा है जो एग्जाम देकर के आया है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का तो जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है पहली चीज तो मेरी बात कान खोल के सुन लो चाहे आप ग्यारहवीं के बच्चे हो चाहे आप बारहवीं के बच्चे हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप अभी इलेवंथ के स्टूडेंट हो या ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो जो मैं बात अभी आपको बताने जा रही हूँ इसको रामबाण मान के इसको एक बहुत ही सुंदर सा क्विक फिक्स अपनी जिंदगी में अपना लेना ठीक है अगले ट्वेंटी मिनट्स आपका नीट एग्जाम का स्कोर बहुत बढ़ाने वाले है ये मेरी बात आप मान के चलो आई गिवन अच्छा दे चुके आप एग्जाम चलिए जी तो फिर मैं शुरुआत करती हूँ देखो आ, अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं बच्चों लास्ट ट्वेल्व ईयर से मैं पढ़ा रही हूं तो अगर मैं पेपर का डिस्कशन करूं किस टाइप का पेपर आता है आप सुनते हो सब लोगों से कि पेपर जो है ना वो एनसीआर आया था है ना दो बातें बता रहे दोनों बातों में डिफरेंस है आप सुनते हो कि पेपर ना पूरा प्योर एनसीआरटी बेस्ड आया था केमिस्ट्री भी एनसीआरटी से ही पढ़ो तो ही तुम्हें समझ आएगा फिजिक्स में भी क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे अगर आप एनसीआर टी स्ट्रिक होके पढ़ाई करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा ये बातें आप बच्चों ने बहुत सुनी होंगी और ऑन कॉन्ट्रेरी आपने ये बात भी सुनी होगी कि जब आप एनसीआर लेकर के बैठते हो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल सोल्व होते नहीं बनते हैं आपसे ये दो कॉन्ट्रोडिक्टी चीज है उसी एनसीआरटी से पेपर आएगा नंबर वन और वही एनसीआरटी पढ़ करके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं नंबर टू तो ये तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक वाली सिचुएशन हो गई तो क्या किया जाए मैम देखो पहली चीज पहली चीज कोई ऐसे मिसलीडिंग बात नहीं है पहली चीज तो ये है कि जब तक कि आप अपने एनसीईआरटी को चार से पांच बार नहीं पढ़ लोगे सिलेक्शन नहीं होगा अब जो मैं चार से पांच बार पढ़ना बोल रही हूं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी की आप रीडिंग ले रहे हो दिन इज अ वे टू रीड एनसीईआरटी ऑल्सो एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक अलग तरीका है एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे उस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे जब तक कि आप एनसीईआरटी की लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चन हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उसी वही एनसीईआरटी अपने अंदर आपको उलझा के रखेगा और आप अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे देखो कुछ बायोलॉजी में ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि प्लांट किंगडम जैसे कि लिविंग वर्ल्ड जिसमें आपको एनसीईआरटी के बाहर एक भी वर्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा और एनसीईआरटी पढ़ के ही आपको समझ में भी आ जाएगा पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है बट वो एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आपको समझ कितना आया है वो बात मायने रखती है तो आप एनसीईआरटी पढ़ के आप समझ भी जाओगे एंड जितना आपने समझ में आया है उस पर बेस क्वेश्चन भी लगा पाओगे ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। बट ह्यूमन फिजियोलॉजी जेनेटिक्स आपका प्लांट फिजियोलॉजी आपका ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको आप कितना ही एनसीआरटी से पढ़ लो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप आप कोशिश करके देख लो आप कोशिश करके देख लो ह्यूमन फिजियोलॉजी प्योरली एनसीआरटी स्टिक होके पढ़ाई करो स्टिल क्वेश्चन नहीं बन पाएगा नहीं बना पाते हो क्योंकि एनसीआर में बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है जो चीज आपको पूरा एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझ में आएगी वो पैराग्राफ को दो लाइन में लिख दिया है तो हम कहते हैं ना कि एनसीआर की लाइंस को डिकोड करना भी आपको आना चाहिए तो वो डिकोड करना कब मायने रखेगा जब आप स्पेसिफिकली ह्यूमन फिजोलॉजी पढ़ रहे हो जब आप स्पेसिफिकली जेनेटिक्स पढ़ रही हो, भाई जेनेटिक्स को अंडर एस्टिमेट मत करना मणिपुर का एग्जाम हुआ था मैं सोल्व कर रही थी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है वहां पे तो जैसा मणिपुर का एग्जाम था 2024 का एग्जाम भी हो सकता है आपका ये मान के चलो बायोलॉजी डिफिकल्ट नहीं पर लेंदी जरूर था काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस दिए हुए थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भर भर के दिए हुए थे इवेंट बेस्ड क्वेश्चन भर के दिए हुए थे जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल भी आपसे पूछी हुई थी जी हाँ वही सेम टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल जो आज से चार पांच साल पहले आ रही थी उसी टाइप की न्यूमेरिकल आपको मणिपुर के एग्जाम में दी हुई थी तो मणिपुर का एग्जाम भी है तो नीट का ही एग्जाम बच्चों एग्जामिनर कभी भी इस स्टेटस को चेंज कर सकता है कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे इसलिए 2024 के लिए हमें एकदम अपनी कमर कस के ही आगे बढ़ना पड़ेगा हमारे पास पूरा फुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करें अगर पेपर एनसीआर बेस्ड है तो एनसीआर को किस तरीके से हम पढ़ाई करें एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर आशीष रिड्यूस होगा आ, भाई आशीष शुक्ला जी बहुत ही डायरेक्ट बात मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस रिड्यूस सीबीएसई के लिए हुआ है नहीं हुआ है आंसर इज यस हो चुका है हो चुका है बट क्या वो सिलेबस रिड्यूस एनटीए के लिए भी एप्लीकेबल है कि भाई हुए है, उसको बाद के लिए रख लो जो टॉपिक्स कॉमन है उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो इंतजार मत करो जब सिलेबस आएगा जब रिजल्ट आएगा तब बैठ के मैं पढ़ाई करूंगा ये इंतजार बिल्कुल भी मत करो शुरुआत अभी से ही कर दो एम आई क्लियर पॉजिटिव के नाम से एक बच्चा है यस एम आई क्लियर तो बच्चों थोड़ा सा प्यार बरसा दो मुझे चैट बॉक्स में मुझे लगे तो कि मेरे बच्चे एक्टिवली मुझे सुन रहे हैं एक्टिवली सुन रहे हैं तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किस सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी महसूस होती है क्या सब्जेक्ट आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो ना मुझको अच्छे से नहीं बन पा रहा है यस yes? यस yes, हां थोड़ा सा एटीपी का संचार मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स के अंदर भाई लंच किया है सब बच्चों ने लंच किया है तो अपने मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करो बिकॉज रेस्पायरेशन करना जरूरी है जब तक कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो नहीं होगा रेस्पिरेटरी पाथवे को फॉलो नहीं करेगा ए नहीं बनेंगे हम चाहते हैं थर्टी टू थर्टी एट बने हमारे ताकि हम उसको इस्तेमाल कर पाए और मैम से चैट कर पाए तो किक स्टार्ट करो चैट करने के लिए अपने ए मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दो। फिजिक्स से डर लगता है मैम, केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है। अच्छा जी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैम। देखो, मेरे को अच्छे से पता है कि 90% परसेंट ऑफ़ द स्टूडेंट्स विल आंसर दैट हमारी को फिजिक्स से डर लगता है। 21 लाख ,00 बच्चे जो आपके एग्ज़ाम में बैठते हैं उसमें से 21 लाख बच्चों से मैं ये सेम क्वेश्चन पूछूं तो ऑलमोस्ट 20 लाख स्टूडेंट मुझे यही कहेंगे कि मैम फिजिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में होती है बायोलॉजी हमें बहुत अच्छा लगता है केमिस्ट्री ओके ओके लगता है एंड फिजिक्स से हम बहुत घबरा जाते हैं उसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल सा कारण है वो ये है कि आप ग्यारह क्लास में जब बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं जब आप बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो व्हाट आप इतना थ्योरी 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 पढ़ रहे होते हैं आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं उसको प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने का फंडा आप पीछे छोड़ चुके होते हैं प्लस केमिस्ट्री भी आपका थ्योरी 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 हो गया एक्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री तो जब आप ऑर्गेनिक लगा रहे हो इनऑर्गेनिक लगा रहे हो बायोलॉजी लगा रहे हो तो आपका ना सेट डेवलप होता चला जाता है फॉर एंटायर इलेवेंथ फॉर एंटायर ट्वेल्थ इसीलिए फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट लेके आता है आपकी जिंदगी में तो जो चीज डिफरेंट हो जाती है हमारे हिसाब से जो चीज़ नॉर्मल नहीं है जो थोड़ी सी डिफरेंट है उससे हमें बहुत डर लग जाता है तो वही हाल आप लोगों का होता है इसीलिए 21 में से 20 लाख बच्चे कहेंगे कि हमारे को फिजिक्स से डर लगता है अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि 2023 का फिजिक्स का पेपर आसान था केमिस्ट्री का डिफिकल्ट था फिजिक्स का पेपर आसान था स्कोर करना भी ईजी था केमिस्ट्री का डिफिकल्ट था सॉरी हाँ, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं सही में हाँ ऐसा ही होता है मानिए मैम की बात ऐसा ही होता है हाँ यस <laughs> yes. तो हम मेरा एक्चुअली हैबिट पढ़ चुकी होती है अब उस हैबिट को जब भी हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो हमारे को एक स्टिग्मा फील होता है तो इन ए सिमिलर वे हमारे को हैबिट है एन uh, सी पढ़ने की हमारे को हैबिट है बायोलॉजी और केमिस्ट्री uh, को थियोरटिकल पार्ट पढ़ने की तो जब उसको ब्रेक करने की बारी आती है तो हमें एक बहुत ही नर्शिया सा फील हो रहा होता है कि यार फिजिक्स तो अकेला सब्जेक्ट है जिसमें मुझे फॉर्मूलाज रखने पड़ रहे हैं जि जिसमें मुझे मैथमेटिकल आउटकम्स निकालनी पड़ रही है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं इसीलिए हम फिजिक्स से घबराते हैं फिजिक्स से थोड़ा दूर भाग रहे होते हैं बट एक बात मेरी मान के चलो बच्चों, नीट एग्जाम आपका एक गाड़ी के जैसा है वी हैव चार पहिया चारो पहियों में एक बॉटनी एक जोलॉजी एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री भी है रैंक अच्छी चाहते हो टॉपर बनना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी इक्वली लेके चलना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट जब तक कि आप इक्वल नहीं पढ़ेंगे आप उतना बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे एम आई एनसीआर टी एग्जाम्पल करना जरूरी है क्या अभी बता देती जरूरी है कि नहीं है तो मेरे बच्चे मैं मान के चल रही हूँ ये लेक्चर देखने के बाद से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हो या कर चुके भी हो तो जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ उसको एड कर लेना अपने करिकुलम में पहली चीज तो क्या एड करनी है अच्छा मैं बायोलॉजी की बात करूंगी आज तुम लोगों से अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम सेशन करा देंगे बट आज मैं मैं मेरा एक्सपर्टीज जिस सब्जेक्ट में है सिर्फ सिर्फ और सर्फ उसी टॉपिक की बात करूंगी है ना फालतू का इमोशनल ड्रामे करना और फालतू का क्लेम करना मुझे नहीं आता बायोलॉजी में मैं आपको अच्छी एक दिशा दिखा सकती हूँ वो मैं आज दिखा दूंगी तो पहली चीज तो बच्चों चाहे कोई भी तुमसे ये कहे कि एनसीआर पढ़ने के बाद भी हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं आपके आसपास के फ्रेंड से बात बोलना शुरू कर देंगे कि बायोलॉजी पढ़ तो रहा हूं बट क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं जी कोई कुछ भी कह रहा हो यू हैव टू मेक श्योर द एक्चुअल बाइबल द एक्चुअल गीता द एक्चुअल कुरान ऑफ योर नीट सिलेक्शन इज योर एनसीईआरटी यस यू हर्ड मी राइट एनसीईआरटी 11वीं की एनसीईआरटी टी बारहवीं की ये दोनों ही आपका आपको सिलेक्शन दिलाएंगी और सिलेक्शन होने से रोक भी पाएंगी तो सबसे पहली चीज तो ये दो किताबें अपने आसपास में रखो सुबह उठ के अगर पूजा करते हो तो एक बार ही हाथ यहाँ पे भी जोड़ लिया करो ग्यारहवीं और बारहवीं के की एनसीईआरटी टी के आगे ठीक है अब प्रॉब्लम ये आती है बच्चों जो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने आपसे इसीलिए ये सवाल पूछा था जो मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं जो मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम ग्यारहवीं और बारहवीं बायोलॉजी से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जब तुम फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठते हो ना तब तुम एनसीईआरटी से नहीं पढ़ पाओगे तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझने में तकलीफ होगी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बेहतर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे अब जब किसी टॉपिक को बेहतर समझ ही नहीं पाए हो तो क्वेश्चन लगाना तो भूल जाओ बच्चों, क्वेश्चन तो, आप नहीं लगा पाओगे। तो आपने खरीदा हुआ है नंबर टू मैम अपने साथ में तुमको ऑनलाइन क्लास में नोट्स बनवाती है नंबर थ्री ये चीजें अपनी हैंडी रखो इसके साथ में एक रेफरेंस बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए तो अगर मैं सेकंड टाइम रीड कर रहा हूं सिलेबस को तो क्या मैम मैं डायरेक्टली एनसीआर से पढ़ू आंसर इज यस बट मैम क्या मैं फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूं किसी टॉपिक को तो क्या मैं एनसीआर से पढ़ू आंसर इज नो आंसर इज प्योर नो बिल्कुल भी नहीं अगर आप पहली बार रीडिंग लगा रहे हो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि uh, क्या टॉपिक है ह्यूमन फिजोलॉजी आप पढ़ रहे हो आप प्लांट फिजोलॉजी में फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कैसे होता है तो द आंसर इज प्योर प्योर नो पहले एक अपनी रेफरेंस किताब से पढ़ाई करो जिस कोचिंग में जाते हो जिस भी टीचर से पढ़ाई करते हो एक्स वाई जी मैं नहीं कहती बस मुझसे ही पढ़ो जिससे भी आप पढ़ते हो जिसका भी आपको समझ में आता है उसके जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं सबसे पहले आप उससे पढ़ाई करो उसके बाद आप एन उठाना और उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले कम से कम पांच रीडिंग लगाना एनसीआरटी की कम से कम फाइव टाइम्स यू हैव टू रीड आपका ट्वेल्व थर्टी पे क्लास होगी पढ़ाया जाएगा DNA replication में करा चुकी। एक लाइन को इलेबोरेट करके मैम ने समझाया हुआ है कैसे वो एनसीआर के बीच की जो लाइन है जहां जिसका मतलब हम भूल जाते हैं हम नहीं ध्यान देते हैं वो सारी बातें भी हमें समझ में आ रही है कैसे हम एनसीआरटी को डिकोड कर पा रहे हैं वो आपको समझ में आएगा लेक्चर में ठीक है अगर मैं बात करूं नीट की पेपर की तो कुछ क्वेश्चन ना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ दस सेकंड लगेंगे इससे ज्यादा समय आपको व्यतीत नहीं करना पड़ेगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कब रहती है बेटा मेरी क्लास मॉर्निंग ट्वेल्व थर्टी कल ट्वेल्व थर्टी पे क्लास है और अगर नहीं भी याद रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा सारी क्लासेस का तो मेरी क्लास ट्वेल्व थर्टी होती है आपके ड्रॉपर बैच में जिसमें हम ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं ठीक है हाँ आंसर मत दो आंसर मत दो मैं आपको एक एविडेंस दे रही हूँ ये आपका नीट ट्वेंटी का पेपर है डायरेक्ट एनसीआर का क्वेश्चन है एनसीआर में यही लाइन लिखी हुई है का भी भी डिफरेंस नहीं नहीं है भी नहीं है हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट और आंसर हमें पता है 2.2 मीटर होगा सब बच्चों का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है बट मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही हूँ कि कैसे आपके एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं होते हैं कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी होते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट अभी तुमको बताती हूं एनसीआर के अलावा जो दूसरी किताब आपके पास होनी चाहिए वो एनसीआर होनी चाहिए अभी एक बच्चे ने पूछा था मैं मैं कि नहीं डेफिनेटली करो बेटा डेफिनेटली करो अनुराधा बायो गुड इवनिंग बेटा यू गुड एनसीआर टी जो एग्जाम्पलर है उसमें इन डेप्थ लर्निंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपको हाई ऑर्डर एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है आपके शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है लॉन्ग आंसर टाइप भी अगर बोर्ड नहीं करना है तो लॉन्ग आंसर को छोड़ दो शॉर्ट आंसर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेना कर लेना ठीक है कर लेना क्वेश्चन नहीं समझा रही हूं मैं बेटा मैं आपको ये एक इंटेंट दिखा रही हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में जो आप पढ़ लोगे ये चैप्टर मुझसे ये मैं क्लास ले भी चुकी हूँ आप देख लो एक बार यूट्यूब पे जाकर प्ले लिस्ट में पीछे फर्स्ट लेक्चर डी एन ए वाला देखना, सेकंड पैकेजिंग का देखना, उसमें आपको मिल जाएगा ये सेम बात मैंने पढ़ाई हुई है मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा आप कैसे हो अनुराधा बायो मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हो येस तो मैंने कहा आप टी एग्जाम्पलर भी ले लो अच्छा उसके अलावा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं आपके नीट एग्जाम में अब इस क्वेश्चन को देख के हम बोल देते हैं यार एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन है बट एनसीईआरटी ने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया हुआ है इसको आप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन टैग कर सकते हो नीट 2020 का क्वेश्चन है बच्चों 11th पढ़ के आए हो इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच कैरियर अब ये एग्जैक्ट कैरियर का मेंशन नहीं किया हुआ एनसीईआरटी ने अभी हमें कैसे याद होगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ एन पढ़ते जा रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा एनसीआर टी एंड साथ में एक रेफरेंस बुक भी पढ़ो जिस भी टीचर से पढ़ाई करोगे वो टीचर आपको जरूर बताएगा ये कैरियर के बारे में इसके बिना ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो सकता तो क्या खाली एन पढ़ने से काम चल जाएगा आंसर इज नहीं आपको वो एनसीआरटी तब जाना है एनसीआर टी जब आप एक रीडिंग अपने रेफरेंस बुक की अपने नोट्स की लगा चुके उसके बाद आपको एनसीआरटी के ऊपर जाना है ठीक है बच्चों तो ये मैंने आपको क्लियरली दिखा रही हूं मैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देन वी हैव ऐसा भी क्वेश्चन जो नीट ट्वेंटी में आया था इसको भी आप आउट ऑफ एनसीआर क्वेश्चन टैग कर देते हो द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज फर्स्ट फेज मैं नहीं है फर्स्ट फेज हालांकि वाई डिफॉल्ट हमें पता है कि पहले क्या हो रहा होता है पहले टी आर एन में अमाइनो असाइलेशन होएगा ये हमें पता है लेकिन फर्स्ट फेज नहीं लिखा हुआ है इस एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया मास्टर द एनसीईआरटी फॉर नीट बहुत अच्छी रहती है बेटा बहुत अच्छी रहती है मैं अभी रेफरेंस बुक पे आ रही हूँ बच्चों आप लोग जो मुझसे रेफरेंस बुक पूछ रहे हो रेफरेंस बुक मोस्ट कॉमनली इंडिया में ट्रू मेंस बिकती है मोस्ट कॉमनली बट तुम्हारे को अगर लगता है कि मेरे को दिनेश की लैंग्वेज अच्छी लगती है मुझको समझ में आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई डिफरेंस नहीं है अगर तुम्हें लगता है मॉडर्न ए बी सी मुझे ज्यादा समझ में आती है कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है कोई डिफरेंस नहीं है तुम मॉडर्न ए बी सी लो तुम दिनेश लो तुम एलिमेंट्री लो एंटायरली डिपेंड ऑन यू बस आपको वो रेफरेंस समझ में आना चाहिए चैप्टर पहले आप यहाँ से पढ़ेंगे उसके बाद आप एनसीआरटी पर जम्प करेंगे बस दैट यू हैव टू मेक श्योर नथिंग एल्स इतना ही आपको समझना है इसके अलावा कुछ नहीं समझना है तो अगर ट्रूमेंस है आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है आप खरीद चुके हो कोई किताब मॉडर्न एबीसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दिनेश अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो टॉपिक आप समझ पा रहे हो कोई तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं है माता पिता के पैसे बर्बाद मत करना कि मैम ने कहा ट्रूमैन तो तो अब तो हम ट्रूमैन ही खरीदेंगे बिल्कुल भी नहीं खरीदना है भाई है ना माँ बाप बहुत मेहनत से कमाते हैं है ना बहुत ही ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है तब जाके कुछ पैसे घर लेके आते हैं पेरेंट्स तो उसका अपमान नहीं करना है जो किताब तुम्हारे पास है समझ में भी आ रहा है तो गुड टू गो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है आप बच्चों को ठीक है एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था मैम एनसीआर फिंगर टिप्स ये ले लूँ क्या पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी किताब लगती है ये क्योंकि इसमें एक एक लाइन का क्वेश्चन फॉर्मेट में और लाइंस के नीचे भी लिखा हुआ तो मैं सबसे पहले इस को खरीदूंगी फिंगर टिप्स अच्छा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है मुझे अगर तुम्हें लग रहा हो कि कुछ पेड प्रमोशन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों पर्सनली मेरे पास है, मुझे पसंद आई ये किताब से पढ़ाई करना तो मैं आप बच्चों को बता रही हूँ कि एक एक लाइन

और वैसे इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कोई किताब पहले है तो मत खरीदना कोई किताब नहीं है तो फर्स्ट चॉइस इसको देना ठीक है चलो उसके बाद बच्चों खाली टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जरूर जरूर लगाने हैं ना सिर्फ उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको भी लगाने हैं तो कोई भी आपको बिल्कुल में रखते हुए चलना है तो यू हैव टू मेक श्योर एक किताब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक किताब रेफरेंस वाली एक किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली ये तीन किताब आपके पास में होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर एनसीआर ये चारों चीजें जब हो जाएंगी तो इन चारों चीजों का जो मिश्रण काम करेगा आपके लिए तो नीट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक यहीं से आ जाएंगी ठीक है यहीं से आ जाएंगी तो आपको चार चीजें रेफरेंस वाली किताब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए किताब पीवाईक्यू वाली किताब और अपनी एनसीईआरटी ये चार चीजें अपने टेबल पे रख करके पढ़ाई करना शुरू किया करो पहली रीडिंग लगा रहे हो तो अपनी रेफरेंस से लगाओ दूसरी रीडिंग लगा रहे हो तो एनसीआर एनसीआर एक बार कोई टॉपिक समझ गए उसके बाद को पांच बार रिवाइज जरूर करना आपने क्योंकि एनसीआर की लाइन से सवाल आए हैं ये भी मैमने दिखाया आउट ऑफ एनसीआर क्वेश्चन आए हैं ये भी मैम ने आपको दिखा दिया तो एक बार रेफरेंस किताब से आप पढ़ लोगे देख लोगे आंखों के आगे से निकाल लोगे तो उससे बेनिफिट आपको ये हो जाएगा बच्चों Uh, कि आप uh, समझ जाओगे कि आउट ऑफ एनसीआर कहाँ कहाँ पे एग्जामिनर जा सकता है और राइट right. इसके अलावा बच्चों फोकस तो रहना ही है और मैं तो हमेशा एक ही बात बोलती हूं जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे जितना आपकी तरफ से डिवोशन होगा उतना ही बेहतर आप स्कोर करेंगे बाकी मैम कुछ बोल ले कोई सर कुछ कह दे आपके पेरेंट्स कुछ कह दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है आपके अंदर कितना डिवोशन है दैट विल मेक यू और दैट विल ब्रेक यू वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो मुझको एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा बेहतर एनर्जी के साथ में लिख दो #need2024 की एक सीट मेरी है #need2024 की एक सीट मेरी है कमेंट सेक्शन में भी इसको लिख देना और इस सेशन को शेयर करो जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं अभी भी परेशान है कि हमें क्या किताब लेनी चाहिए कैसे तैयारी करनी चाहिए तो उसको जरूर टैग करो इस सेशन के लिए मैम डिस्ट्रक्शन से कैसे दूर रहे समीना शेख देखो डिस्ट्रक्शन तब होता है जब मोटिवेशन कम होता है जो आपका आ, सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है अगर वो सपना उतना पुख्ता नहीं है अगर आप कन्विंस नहीं हो सपने से तो डिस्ट्रैक्शन होता है अगर आप कन्विंस हो कि मेरे को मेरा सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ यूज करना है अपनी पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ यूज करना है उस वाइट एप्रन के लिए उस केस में डिस्ट्रेक्शन कभी भी नहीं होगा उस केस में कितना ही रील चल रही हो उसके में कितना ही टीवी पे कोई मूवी आ रही हो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा आप सिर्फ और सिर्फ फोकस होकर पढ़ाई करोगे तो डिस्ट्रक्शन हटाने के बारे में मत सोचो अपना खुद का मोटिवेशन बढ़ाने के बारे में सोचो ठीक है या मैम मेरी है हा ठीक है चलो सुपर एवरी वन मिलते हैं हम कल की क्लास में कल सारे बच्चे आ जाए ना ट्वेल्व थर्टी पे क्लास आपकी ट्रांसक्रिप्शन मैम पढ़ाएंगी डिटेल में सी यू एवरी वन मिलेंगे हम कल की क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखो मस्त रहो अच्छा अच्छा खाना खाओ ख्याल रखो सेहत का ख्याल रखो मस्त रहो स्वस्थ रहो व्यस्त रहो त्रस्त मत हो परेशान मत हो खुश रहो बाय एवरी वन लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बच्चों